हेलो फ्रेंड्स uh, आज uh, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक मैग्नेट uh, जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड में एट एन एंगल रखा हुआ है उस पर टॉर्क एक्ट करता है और इस टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है कैसे हम इसको डिटरमिन कर सकते हैं ये हम इस वीडियो में देखेंगे सो यू सी यहाँ पर एक नॉर्थ टू साउथ मैगनेटिक फील्ड सेटअप की हुई है और ये जो है एक मैगनेट है बार मैगनेट है जो कि एट एन एंगल थीटा क्या हुआ है रखा हुआ है, है ना एट एन एंगल थीटा रखा हुआ है एट एन एंगल थीटा टू वॉट टू दी डायरेक्शन ऑफ द मैगनेटिक फील्ड आपको पता है मैगनेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ टू साउथ होती है ठीक है अब आप देखिए कि आ, ये जो है डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है और ये एंगल थीटा है अगर हम बात करते हैं इनकी पोल स्ट्रेंथ की तो दोनों पोल्स जो होते हैं उनकी पोल स्ट्रेंथ इक्वल होती है ना पोल स्ट्रेंथ सेम होती है ये आप सभी जानते हैं कि पोल स्ट्रेंथ जो रहती है दोनों की सेम होती है तो यहाँ पर एम पोल स्ट्रेंथ है और यहाँ पर भी एम पोल स्ट्रेंथ है अब क्या होता है कि अगर ये साउथ पोल है तो साउथ पोल जो है यह नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा तो इस तरफ फोर्स लगेगा इस पर और जो नॉर्थ पोल है वह साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा तो इस तरफ फोर्स लगेगा अब याद रखिए कि ये जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं ये फोर्सेस जो हैं इनका मैग्नीट्यूड कैसे देंगे अगर हम मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैपिटल बी है तो यहाँ पर एम इंटू बी यानी कि पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगर ये कर देंगे आप तो ये आपको क्या देगा फोर्स देगा तो इस नॉर्थ पोल पर फोर्स लग रहा है इस तरफ और साउथ पोल पर फोर्स लग रहा है इस तरफ अब आप देखिए कि जैसे ये एक बार मैग्नेट है इसके टॉप पर फोर्स इस तरफ लग रहा है और इसके बॉटम पर फोर्स इस तरफ लग रहा है तो क्या होगा अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा कि ये जो है इस तरह से घूमने लग जाएगा क्योंकि इस पर टॉर्क एक्ट कर रहा है दो पैरेलल फोर्सेस अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे अगर वो पैरेलल हैं तो ऐसे फोर्सेस टॉर्क जनरेट करेंगे तो आपको पता है कि जो टॉर्क होता है उसका फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं एनी फोर्स कोई भी फोर्स ले लीजिए है ना एनी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेज दो फोर्सेज के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस ओके परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेज तो आप देखिए फोर्स जो है वो तो क्या है एम इंटू बी है एम इंटू बी जो है वह क्या है फोर्स है कोई भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वह क्या हो जाएगी तो देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वह यह हो जाएगी यू कैन कॉल इट एन ए यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी तो आप लिख सकते हैं इसको एन ए दिस इज दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ठीक है ये टॉर्क आ गया अब बात आती है कि ये कैसे फाइंड करेंगे हम इसे तो देखिए ट्रायंगल अगर हम ले रहे हैं ट्रायंगल ए एन एस इस ट्रेंगल में तो आप अगर आप साइन थीटा लेते हैं ध्यान से देखिएगा साइन थीटा तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा एन ए एन ए अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा टू एल टू एल सो दिस इंप्लाइज एन ए इज इक्वल टू एन ए इज इक्वल टू टू एल साइन थीटा एन ए इज़ इक्वल टू टूवेल्व साइन थीटा तो यहाँ पर आ, हम क्या कर सकते हैं इसकी वैल्यू सब्सटिट्यूट कर सकते हैं एन ए की तो ये हो जाएगा एम इंटू बी इंटू टू एल साइन थीटा सही बात है ऐसा लिख सकते हैं हम इसे अब इसके बाद में अगर आप इसको रीअरेंज कर दें ये लिख सकते हैं एम इं टू टूल एम इंटू टू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा क्लियर है अब देखिए एम इंटू टूवेल्व जो है वो होता है कैपिटल एम क्या होता है कैपिटल एम और इंटू आ जाएगा बी साइन थीटा ठीक है ये है टाउ टौ, टॉर्क अब देखिए ये मैग्नीट्यूड है टॉर्क का और ये एक्सप्रेशन आपको क्या बता रहा है ये एक्सप्रेशन आपको बता रहा है कि अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स को अप्लाई करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स से ये आपको मिल जाएगा कि टाउ वैक्टर जो है वह एम वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर होगा दिस इज बाय द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स आपने पढ़ी हुई है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स की डेफिनेशन उस डेफिनेशन से आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं सो दिस इज वॉट इज इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन अ इन अ मैग्नेटिक फील्ड वेन वैन अ बार मैग्नेट इज कैप्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल थीटा I hope this is clear to you. Thank you.